काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनके अंदर कितनी खुशी है इस बात की कि कोवैक्सीनेशन के लिए इसका आज उद्घाटन किया गया और एक पवित्र जगह एक स्थान पर जैन मंदिर है और यहाँ पर ये शुरुआत की गई है। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगी। मैं मुलुंड वर्धमान स्थानक वासी जैन सेवा संघ के मंत्री पद पे है। हमारे पास प्रकाश गंगाधर जी यहाँ के लोकप्रिय नगर सेवक है। उन्होंने आके हमको बोला कि आपकी जगह दो, हमको वैक्सीनेशन चालू करना है। तो हमारे ट्रस्ट मंडल अधिकारी सब मिलके बोला, बहुत खुशी की बात है, लोग को इतना तकलीफ हो रही है अभी, जब ये जगह मिलने के बाद वैक्सीनेशन का जो काम हम देख रहे हैं, प्रकाश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज उन्होंने करके दिखाया। हमको जैन समाज को खुशी होती है कि मानव कल्याण ये हमारा धर्म का सबसे मूल पाया है और आज प्रकाश जी उसको साकार करने में जो हमको साथ दिया है, हम चाहते हैं कि प्रकाश जी इतना ही सेवा करे और वैक्सीनेशन काम आगे बढ़ाए और मुलुंड को कोरोना से जल्दी मुक्त कराए, ये हमारी भावना है। हमारे प्रेसिडेंट साहब दो एक शब्द बोलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद सेकंड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है लेकिन उसमें काफ़ी डिस्टेंस हो जा रहा है जिसकी वजह से उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो आज ये कोवैक्सीन का यहाँ उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है लोगों के लिए कि कितना अच्छा कदम है ये? मैं नरेश दफ्तरी यहाँ का प्रमुख हूँ और हमने प्रकाश जी जब यहाँ आए थे हमारे पास में, हमने खाली एक ही चीज़ बोला कि हमारी जगह स्वच्छ है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और हमने खाली एक ही काम किया कि सेकेंड डोज देने से आदमी को जो अभी सुविधा मिलेगी उसको बाद में आराम से रिलीफ हो जाएगा उसको। और साथ साथ में हमने एक ऐसे प्रयास चालू किया है कि एक जैन मंदिर चालू करेगा तो दूसरे जैन मंदिर ऑल ओवर बॉम्बे में जितने हैं वो भी सब उसको हमारे प्रेरणा से उनको भी चालू हो जाएगा, ऐसी हमने का पता लगा। मैं रमेश भाई गाला, उपप्रमुख श्री मुलुंड वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे जैन समाज में क्वारंटाइन सेंटर तो काफ़ी संघों में चालू हो गए लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर ये मुंबई के अंदर पहला चालू हुआ और इसके लिए पूरा यश हमारे नगर सेवक प्रकाश गंगाधर जी को है कि उन्होंने एफोर्ड लिया करके एक प्राइवेट संस्था में ये वैक्सीनेशन सेंटर BMC का चालू हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत इस तरह से सब काम हो रहा है, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, काफ़ी वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, सोशल वर्क के हिसाब से काम हो रहा है और आगे ये वैक्सीनेशन सेंटर जब तक इसकी ज़रूरत है तब तक हम लोग इसको चालू रखेंगे और सब सुविधा हमारे संघ के तरफ से भी BMC को मिलती रहेगी और सारा हम अपडेट करते रहेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशंस की शुरुआत हो चुकी है लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा होने की वजह से एक जगह पर ही लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, उसी क्रम में प्रकाश जी ने यहाँ मुलुंड में एक वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन आज किया है और उद्घाटन होते ही जिस तरह से बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की एक लाइन एक कतार नज़र आ रही है कि क्योंकि हर किसी के लिए एक लास्ट अगर कुछ बचता है कोरोना से बचने के लिए तो वैक्सीनेशन और उस वैक्सीनेशन से बचने के लिए इस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स के उद्घाटन किए जा रहे हैं जो आज वार्ड में भी यहाँ पर प्रकाश जी द्वारा किया गया है। तो प्रकाश जी सबसे पहले तो आज इस वैक्सीनेशन का आपने उद्घाटन किया है, कितनी खुशी है कि यहाँ की जनता के लिए एक अच्छी सुविधा की आपने यहाँ पर की है? सबसे पहले मैं कोवैक्सीन के लिए वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज के लोगों ने ये पवित्र जगह उपलब्ध करके दी करके उनको पहले धन्यवाद देता हूँ। गत एक महीने से कोवैक्सीन की ज़रूरत थी मुलुंड के लिए, क्योंकि पहला डोज सीनियर सिटीजन ने लिया था और पूरे मुलुंड में कोवैक्सीन कहाँ भी नहीं है। तो आज सबसे पहला वो कोवैक्सीन का आज डोज सभी को देने जा रहे हैं और इसलिए मुलुंड के जितने भी कोवैक्सीन के लिए लोग हैं अबाव 45 सीनियर सिटीजन और अपंग, उनको हम पहले देने जा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से 21 की एज 18 के बाद की एज को भी अब अनुमति मिल गई है कि वो भी ले सकते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या कोशिश है, उन्हें कितना जल्दी आप ये सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे? उनके लिए भी हमने महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखा है कि अबाव 18 की भी यहाँ ज़रूरत है लेकिन महानगर पालिका के नियम के अनुसार आज वो नहीं देते हैं। एक हफ्ते के बाद शायद वो भी अबाव 18
सीनियर सिटीजन सभी को मुलुंड के लोगों के लिए सभी का वैक्सीनेशन होगा, डोज मिलेंगे। और ये कोविड के काल में हर एक आदमी सतर्क हुआ है और इसलिए जागरूकता से सुबह उठकर यहाँ लाइन लगाकर डोज ले रहे हैं। और इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुलुंड से कोविड हटाना है। जब तक कोविड यहाँ से मुलुंड से हटेगा नहीं तब तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। इसलिए हम ये सब कार्यक्रम कोविड के खिलाफ ये लड़ाई है, हमारा जंग चलते रहे। तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ वार्ड में, तो वैक्सीनेशन के लिए कोई यहाँ पर ऐसा कुछ जगह बनाई गई थी या फिर ये पहला वैक्सीनेशन सेंटर होगा आपके द्वारा जो जहाँ यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोगों की काफ़ी लंबी कतार नज़र आ रही है बाहर? मुलुंड में हर वार्ड में अभी वैक्सीनेशन केंद्र चालू हुआ है, कहाँ कोविडशील्ड है, कहाँ कोवैक्सीन है। और इसलिए जो जिन्होंने पहला लिया है उन्हीं को वही डोज सेकंड डोज हम देने जा रहे हैं। फर्स्ट डोज यहाँ नहीं दिया जाता है क्योंकि सीनियर सिटीजन ने पहला कोवैक्सीन जो जिन्होंने लिया है उनको ही सेकंड डोज हम दे रहे हैं। कितना ध्यान रखेंगे, कोविड भी है तो लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग इस बात का कितना ध्यान आपके द्वारा दिया जाएगा? क्या यहाँ पर आप आज जिस तरह से मौजूद हैं, बाद में भी आपका यहाँ पर दौरा रहेगा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वैक्सीनेशन तो ले लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, अभी आज ये जो जगह है शाम को यहाँ से 5 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद हम उसका पूरा सैनिटाइज करेंगे। बाहर आप देख रहे पूरे कतार से लोग खड़े हैं डिस्टेंस रख के, और हमारे कार्यकर्ता सभी भारतीय जनता पार्टी के हुआ हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ भी ध्यान दे रहे कि डिस्टेंस हो, जगह बनाए और आराम से सभी को कोई यहाँ तकलीफ नहीं, देखो कहाँ भी नहीं, आराम से लोग खड़े हैं। और इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मैं ये मुलुंड वर्धमान स्थानकवासी जैन सामुदायिक संघ में ट्रस्टी हूँ, मेरा नाम नरेश भाई शाह है। आज पहला दिन है तो आज पहला दिन है वैक्सीनेशन के लिए, मगर कल से ऐसा करेंगे कि हमारा जब तक ये वैक्सीन का काम पूरा नहीं हुआ तब तक हम ये सेंटर हमारा चालू रखेंगे। और जास्ती से जास्ती कल से और डिसिप्लिन से काम हमारा हुए, डिस्टेंस कमती हुए, ऐसा हम खुद मेहनत करेंगे और सब लोग को शांति से काम हो जावे ऐसी हम मेहनत करेंगे और सबका कार्य पूरा हो जावे ऐसे सबको शुभेच्छा देते हैं। कोविड है, कोविड को देखते हुए लॉकडाउन है, काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अगर हम यहाँ के भाजपा नेताओं की बात करते हैं, यहाँ के नगर सेवक की बात करते हैं, वो किस तरह से जनता के साथ खड़े होकर वैक्सीनेशन हो या फिर उनकी और समस्या हो उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं? वो लोग भाजपा के नेते और जो समाज सेवक है, कभी भी कुछ भी सोशल वर्कर होएगा हमारे साथ में, हमारे मंदिर के काम में भी और कोविड के काम में भी हम जी एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे और पूरा काम ये मुलुंड की जनता को पूरा करके दिखाएंगे। किस तरह से कहा जाता है कि वैक्सीनेशन जब फर्स्ट वैक्सीनेशन लेते हैं लेकिन दूसरी वैक्सीनेशन लेने में जो एक लंबी एक दूरी बन जाती है, एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों वैक्सीन लेने के बाद ही इस कोविड बीमारी से लोग बच सकते हैं, तो इसके लिए ये कोवैक्सीन लेना भी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है? पहले वैक्सीन लेने के बाद लोग सेकेंड वैक्सीन नहीं ले पा रहे थे, वैक्सीनेशन की काफ़ी कमी भी यहाँ देखी जा रही है अगर मुंबई की हम बात करते हैं तो। अब प्रकाश जी ने जो ये कदम उठाया ये भी एक सराहनीय कदम है, जिसकी वजह से यहाँ के वार्ड के जनता को एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम मैं आपको बाहर दिखाना चाहूँ तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कोवैक्सीन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि मतलब देखा जाए तो लोगों को परेशानियाँ थी, लोगों ने फर्स्ट वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज तो ले लिया था लेकिन सेकेंड डोज अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया था, जिसके लिए लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह।